फाइनली दोस्तों 100% कंफर्म हो चुका है, आने वाले समय में गिब्बल एंड पेल्पिटोड भी वापस आने वाले हैं एपिसोड 114 में, प्रोफेसर की लैब में, एस वर्सेस पोल वाले एपिसोड में, और साथ में सेप्टाइल के भी वापस आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं बताएगा मैं, और साथ में एपिसोड 115 में एस की ओपनिंग सेरेमनी को, मास्टर की ओपनिंग सेरेमनी को एक काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज कैरेक्टर देख रहा होगा, ये बात भी 100% कंफर्म है। कौन देख रहा होगा बताएगा मैं। पोल का एक न्यू पोकेमोन कार्चोम और मेटाग्रोस के अलावा भी कंफर्म हो चुका है बताएगा मैं, और साथ में एपिसोड 114 की न्यू ओपनिंग सेरेमनी न्यू पोकेमोन समरी आउट हो चुकी है, जिसको सुनकर तुम्हें काफ़ी गुस्सा आएगा, मुझे भी काफ़ी गुस्सा आ रहा है, तो काफ़ी सारी बातें करनी है तुम लोगों से। सब्सक्राइब कर देना 500 के करने, मुझे जल्द से जल्द लाइक भी कर देना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गिब्बल के बारे में एंड पेल्पिटोड के बारे में। गिब्बल को तो मैं चाहता था कि वापस आए, लेकिन पेल्पिटोड तुझे किसने बोला वापस आने के लिए, वापस चला जाए यहाँ से बता रहा हूँ मैं, बट कोई नहीं, कहा जा रहा है 100% कंफर्म है कि पेल्पिटोड एंड गिब्बल गोको को ज़्यादा ही पसंद करने वाले हैं। डर नहीं लगता, मरना है तेरे को बता रहा हूँ, तुम्हारा भी रोस्ट कर दूंगा अगर गो के पास गए ना, बर्बाद कर दूंगा तुम सबको, बट कोई नहीं, गो के पास जाना है, एज के पास रोए मत, गो की टीम में चला जाओ। गिब्बल मेरे पास आ जाओ, मैं पेल्पिटोड से बात कर रहा हूँ, देखो पेल्पिटोड तुम्हें गो पसंद है, गो के पास चले जाओ, मैं एज से कहकर तुम्हारा ट्रेड करा दूंगा, यानी कि तुम जाना गो के पास और गो का सुकून आएगा हमारे एज के पास, डील फाइनल करते हैं, जल्दी से आ जाओ घर पे। सो हाँ, मजा कर रहा हूँ, बट ये दोनों पोकेमोन हमको दिखने वाले हैं एपिसोड 114 में, और साथ में सबसे बड़ी न्यूज़, सेप्टाइल के भी रिटर्न आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। दिगोज वो पोकेमोन वापस आ रहे हैं जिनको हमने पहले एपिसोड 68 में नहीं देखा, यानी कि पेल्पिटोड उस एपिसोड में नहीं था, इसमें वापस आया, और अपना गिब्बल भी उस एपिसोड में नहीं था, यहाँ पे वापस आया, तो डेफिनेटली हमारा सेप्टाइल भी यहाँ पे आने वाला है, और हमको एक मर्चेंडाइज देखने को मिले थे, यहाँ पे उर्सिफू था, सेप्टाइल था, सेलेमेंस था, स्टिलिक्स पोकेमोन था, तो उर्सिफू पोकेमोन प्रोजेक्ट म्यू से हो सकता है, स्टिलिक्स एंड सेलेमेंस में भी पोल का हो सकता है, बट हाँ एस के तो नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पे एस का पोकेमोन सेप्टाइल है नॉर्मल फॉर्म में, वो हाँ सोवेयर का हो सकता है, लेकिन सोवेयर का मेगा सेप्टाइल है, और सोवेयर का रिटर्न आने के चांसेस अभी बिल्कुल नहीं बन रहे, बिकॉज वो ऐसा कोई ज़्यादा बड़ा वाला इंपॉर्टेंट राइवल नहीं था, तो ये सेप्टाइल होगा एस के जम का। सो देखो एपिसोड 114 में एस के हर एक रीजन से स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन होने वाले हैं। केंट्रो से चाइजर होगा, पक्का कंफर्म है। जोटो से हेराक्रोस भी हो गई होगा, बिकॉज़ हम लोगों ने उसको पहले भी देखा था, और होवी से सेप्टाइल के रूमर्स आ रहे हैं, और सिनो से इन्फोनेप तो होने वाला है, और इन्फोनेप से याद आया, इन्फोनेप का फ्लैशबैक हमको दिखने वाला है, किस तरीके से पोल ने उसको कैच किया, उसको रिलीज किया, फिर वो एस के पास गया, फिर यूनोवा से क्रोकोडाइल और पिगनाइट तो है ही है, फिर केलोस से ग्रिंजा का फ्लैशबैक होने वाला है, और एलोला के पोकेमोन को तो एस के अभी भी मिल के आया है, और ग्लार की पोकेमोन टीम तो उसके पास है ही है, तो कहीं ना कहीं इसके सारे सारे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन होने वाले हैं इस एपिसोड में, जो कि यह हमको डिस्क्राइब कर रहे हैं आने वाले समय में एस के समय अपने अल्टीमेट टीम का यूज करने वाला है, और साथ में पोल के पास भी एक न्यू पोकेमोन होने वाला है, और वो न्यू पोकेमोन और कोई नहीं अपना गैराडोज होने वाला है। पोल की टीम पे गौर तो करो, न्यू पोकेमोन टीम के ऊपर उसके पास गैराडोज है जो कि लेंस के पास है, उसके पास मेटाग्रोस है जो कि स्टीवन के पास है, उसके पास गार्चोम्ब है जो कि सिंथिया के पास है, तो इतना अच्छा ऑप्शन ट्रेनिंग के लिए कोई कैसे मिस कर सकता है। पोल बायसा बेस्ट राइवल है, असल मायने में राइवल क्या होता है ना, वो पोल हमको डिस्क्राइब करता है, लिटरली बवाल जीज है पोल, और साथ में मास्टर एट की ओपनिंग सेरेमनी में वो कौन सा बंदा है जो कि हमारे इस किस्म को देख रहा है, वो सरीना भी हो सकती है, लेकिन यार पोकेमोन के राइटर ने इंटरव्यू में बोला था कोई सरप्राइज रोल होने वाला है, सरीना ऑलरेडी वापस आ चुकी है, तो उसमें सरप्राइज कैसा, तो कहीं ना कहीं जिस कैरेक्टर को हमने अभी तक एनिमे सीरीज में नहीं देखा है वो एस का मैच देख रही होगी, मे बी मुझे लग रहा है कि वो मिस्टी हो सकती है, बिकॉज मिस्टी ने होविन में या फिर पहले भी ऐसा किया हुआ है कि वो एस को टीवी में देख रही है, तो हाँ मिस्टी जो है टीवी में देख रही होगी एस के मास्टरेट को, या फिर ऐसा भी हो सकता है जितने भी मेन राइवल मेन कंपेनियन एस को हमको दिखाए गए वो एस को टीवी में देख रहे होंगे, लाइक एलोला की पूरी गैंग, सरीना, डॉन, पोल, गेरी, सब के सब इसको टीवी में देख रहे होंगे, एंड इसको देखकर आएगा मज़ा, सबसे ज़्यादा मज़ा, लेकिन अब तुम्हारा मज़ा ख़राब करने वाला हूँ मैं, अब मैं क्या करूँ यार, न्यूज़ ऐसी है, तो एपिसोड 114 में इसके पुराने पोकेमोन वापस तो आएंगे, लेकिन किंतु
परंतु मेरे बंधु। उस एपिसोड में पुराने पोकेमोन सिर्फ वो सिर्फ चीयर करेंगे, बोलेंगे जर्नी टीम तुम पोल को हरा सकती हो। मतलब नहीं होते वो चीयर लीडर टाइप जो इसको यार मोटिवेट करेंगे, लेकिन यार काय का घंटा मोटिवेट बे, यानी यार चाइजार्ड जो आएगा वो मोटिवेट करेगा इस किस्म को। अरे भाई तूने खुद ने आर्टिकुन को हराया हुआ है, तू घंटा ऐसे मोटिवेट करेगा, तुझे वहाँ पे जाके मुकाबला करना चाहिए। और ऐसे सेप्टल के सीन भी है, सेप्टल तो आएगा नहीं आएगा वो भी कंफर्म नहीं है, लेकिन आने के चांसेस है आ भी जाता है। लेकिन जिसने डार्कराई को हराया हुआ है तुम यार सेप्टल से चीयर कराओगे? लिटरली पोकेमोन बवाल चीज है बे, इसका यूज करना चाहिए। लेकिन अभी हम लोग कुछ कह नहीं सकते बिकॉज साइना वाले एपिसोड में भी हमको नहीं बताया गया था समरी वमरी में कि हाँ तुम्हारे पोकेमोन तुम्हारी साइना वापस आएंगे। तो कहीं ना कहीं इस बार भी सेम टू सेम वो चीज़ हो सकती है। हमको समरी में दिखाया जा रहा है ओल्ड पोकेमोन का इम्पोर्टेंट रोल नहीं होने वाला है, बट मे भी इम्पोर्टेंट रोल हो इसके ओल्ड पोकेमोन का। एपिसोड के एंड में आते आते पोल को प्रॉमिस करे इसके चम कि मैं मेरे पुराने पोकेमोन का इस्तेमाल करेगा, डेट्स वाई वो अपन इमेजिन करेगा पोकेमोन टीम को जिसमें ग्रीनिंजा का फ्लैश बैक भी इंक्लूड होने वाला है, और डैट विल बी वेरी वेरी अमेजिंग। मैं बता रहा हूँ पिजियोट इसलिए वापस नहीं आ रहा, पिजियोट सोच रहा है अरे यार वापस चला गया तो मुझे भी चीयर लीडर करना पड़ेगा, मुझे भी इसको चीयर करना पड़ेगा। बट कोई नहीं, एक बार एपिसोड की समरी को देख लेते हैं अच्छे से। सो पुरानी वाली समरी तुमको याद ही होगी, उसमें हमको बताया गया था कि एक दिन जाएगा प्रोफेसरों की लैब में, अब कैसे क्या जाएगा बताएगा मैं। सो उसमें लिखा हुआ है वाइल ट्रेनिंग फॉर द मास्टर टूर्नामेंट सातोशी एंड गो आर आस्क्ड टू कम द प्रोफेसर ऑफ लैब, यानी कि ट्रेनिंग करते समय प्रोफेसर ऑफ जो है उनको बुलाएंगे खुद की लैब में। यहाँ पे पिकाचू, लुकारियो, गेंगार, ड्रेगोविस, सरफेस पोकेमोन, सभी के सभी गलार पोकेमोन जो है ट्रेनिंग करते वक्त काफ़ी ज़्यादा फायर अप हो जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे बिकॉज जो प्रोफेसरों की लैब में पोकेमोन है वो उनको चीयर अप करेंगे। ऐसा सेम टू सेम लिखा हुआ है ओपनिंग सेरेमनी में पोकेमोन की समरी में। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे सिंजी भी होने वाला है, वही इसका राइवल जिसने एक समय पे इसके साथ ट्रैवल किया था सिनो रीजन में। अब यहाँ पे लास्ट लाइन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस समरी की, जहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट डस सातोशी गेन फ्रॉम दिस रीयूनियन, यानी कि पोल से मिलने के बाद सातोशी क्या गेन करेगा, उसको क्या मिलने वाला है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यार पोल एडवाइस पक्का करने वाला है इस किस्म को कि तुमको तुम्हारे ओल्ड पोकेमोन का इस्तेमाल करना ही करना चाहिए बे। और डेस है हमको निंजा का फ्लैशबैक देखने को मिलेगा, सेप्टाइल भी दिख जाएगा, इन्फर्नेफ है, चाइजार्ड है, हेराक्रॉस भी मिल ही जाएगा, सो डैट विल बी वेरी अमेजिंग। और पोकेमोन जर्नीस के राइटर्स ने अभी हाल ही में इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने बोला कि पोल को वो बहुत पहले ही वापस लाना चाहते थे, लेकिन यार परफेक्ट टाइम का वो वेट कर रहे थे और मार्सेट की ट्रेनिंग का सबसे बेस्ट समय उनको लगा, डैट्स व्हाई पोल मार्सेट की ट्रेनिंग कराने के लिए वापस आ रहा है। और सबसे बड़ी बात, पोल और भी ज़्यादा मेच्योर होगा, एस और पोल की राइवलरी और भी ज़्यादा खतरनाक और हीटअप होगी। मैं बता देता हूँ, पोल इस्तेमाल करेगा गैडोस का, मेटाग्रोस का, गार्चुम का वर्सेस एस लुकारियो गेंगा सरफेस के बीच में मुकाबला होने वाला है। और एक दो दिन में मैं आपको पूरा पूरा एपिसोड 100% कंफर्म तरीके से रिलीज होने से पहले बता दूंगा। उसके लिए 12K लाइक कर दो, पुगवीज का आंसर दो, बाय बाय।